मित्रों केम छो, आज आप धोरण बे में व्हीकल शीखीशू। आप अँ कहला जी गया कि आप चित्र जी और कार ना उच्चार शब्द पर सीख्या। हवे अपने अँ कने शू करीशू, आप अँ कने काउंस में उपर आपेलू छे, शू लख्यू छे उपर बॉक्स में आपेला शब्दों उपयोग कर वाहनों नाम लखो। हवे तमारे एमां शू करवानुं छे तो अँ कने तमने चित्र आपेला छे कि आ कया चित्र छे, तो जेवा अहीं चित्र है एवं ने एवं अहीं पण चित्र है। हवे जो तमने तमारी रीते अहीं कने नाम लखता ना आवड़े तो आपणे शुं करशुं, आ पेज पर आपणे चित्र जोईशुं कि क्यूँ चित्र क्या है। तो अहीं कने तमने जीप आपेली है, तो अहीं कने जीप आपेली है, तो अहीं कने पण ए सेम ज जीप आपेली है। तो आपणे एनो स्पेलिंग जोईशुं, शुं छे जे डबल ई पी। तो अहीं कने आपणे शुं लखीशुं, अहीं कने क्या है जे डबल ई पी, तो आपणे अहीं कने जोई अने लखशुं जे डबल ई पी। हवे अहीं कने वेन आपेली छे, तो आ ग्रीन कलर नी वेन अहीं पण आपेली छे, तो अहीं कने जोवानुं के आ आपणे वेन आपेली छे। तो आना जेवो स्पेलिंग जे छे ए अहीं कने क्या छे आपणे शोधवानुं छे। तो अहीं कने वी ए एन वेन आ छे, तो आपणे अहीं कने लखशुं वी ए एन वेन। पछी अहीं कने शुं छे बस, बस तो आपणे बधाने ओळखता आवडे छे, तो अँ कने बस जोवानी कि अँ कने आ चित्र में क्या बस आपेली है, तो अँ छे तो बी यू एस बस। तो अँ आपने लखवानू बी यू एस बस। हवे अँ कने तमने शू आपेलू छे, अँ कने वाण अने बोट बने आपेला छे, तो अँ कने तमारे शू करवानू छे, अँ शोधवानू कि आना जेवू चित्र आ बाजूना पेज में क्या छे। तो अँ कने क्या छे, अँ छे, तो अँ कने शू लखेलू छे शीप एस एच आई पी सीप एटले वाहन। तो अँ कने आपने शू लखवानू एस एच आई पी सीप। पछी अँ छे कार, तमने अँ कने कार ओळखता तो आवडे, तो अँ कने क्या छे कार अँ, तो अँ कने सी ए आर, अँ गोतवानू अँ कने क्या छे सी ए आर, तो अँ लखशू आपणे सी ए आर कार। હવે અહીંયા શેનું ચિત્ર છે, આ બોટનું, બોટ એટલે નાની હોય અને આ વાણ મોટું છે, અહીંયા કને આપણે શોધવાનું કે એના જેવું ક્યાં છે, તો અહીંયા બી ઓ એ ટી એટલે બોટ એટલે હોડી, તો અહીંયા કને આપણે અહીંયા કને જોઈ બી ઓ એ ટી અને અહીંયા કને આપણે લખવાનું છે બી ઓ એ ટી બોટ। આવી રીતે આપણે સામે ચિત્ર અહીંયા કને ચિત્ર આપેલા છે એને ચિત્ર તમને અહીંયા પણ આપેલા છે, તો તમારે શું કરવાનું છે આને આ ચિત્ર જોઈ આનામાં કયા શબ્દ કયો છે તે અહીંયા કને શોધવાનો છે, અહીંયા શોધી અને એ શબ્દ આપણે એ ચિત્રની નીચે લખવાનો છે। આ તમારે તમારી બુકમાં કરવાનું છે અને નોટબુકમાં તમારે બે વખત શબ્દ તમારે લખવાના છે। તો કયા શબ્દ તમે બે વખત લખશો, તો આ જે શબ્દ છે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને શબ્દ તમારે જે અહીંયા આપેલા છે બે વખત લખવાના છે, અને અહીંયા કને આ જે ઇંગ્લિશ શબ્દ અહીંયા કને ખાલી તમારે ઇંગ્લિશ શબ્દ જ યુઝ કરવાના છે। અસ્તુ।